वेलकम बैक गाइस। तो आज फ्री फायर के अंदर हमारे न्यू भैया पास आ चुका है। इस वीडियो में करने वाले इसका पूरा रिव्यू और आपको बताएंगे आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अगर सबसे पहले भैया पास पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो आप भैया पास ले लेते हो तो आपको ये वाली क्रेट मिलेगी जिसमें आपको फ्री में कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों कैरेक्टर तो आपके पास सारे हैं और फ्री में ना भी मिले तो भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि सारे कैरेक्टर अभी गोल्ड में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस ये क्रेट तो जरूरी नहीं है, इसके अलावा M60 की स्किन आपको देखने को मिलती है जिसमें पावर कुछ ज्यादा खास नहीं है, डबल रेंज और मूवमेंट स्पीड दे रखी है और यहाँ पर एक्यूरेसी माइनस में कुछ ज्यादा खास नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गाइस यहाँ पर हमको एक फीमेल बंडल देखने को मिल जाता है, ये रहा। अब दोस्तों फीमेल बंडल दिखने में काफी अच्छा है, क्यूट सा बंडल बना रखा है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके कानों के अंदर क्या लटक रहा है दिखने में बहुत ज्यादा मस्त है, अभी कान को पास से देखते हैं। तो गाइस ये रहा इसके कान नहीं है, इसकी टोपी के अंदर ही बबल बना रखा है, काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। बट यहाँ पर हम भैया पास के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, ये है हमारा लूट बॉक्स भाई, कहते हैं जहर, काफी ज्यादा क्यूट सा पानी वाली थीम इस बार बना रखी है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं गाइस, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ईवो बॉक्स के टोकन मतलब ईवो गन के टोकन, और गाइस यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ से हमको एक मेल बंडल देखने को मिल जाता है। तो गाइस हमारा मेल बंडल इस बार ये रहा, काफी ज्यादा ओपी दिख रहा है और भाई काफी ज्यादा मस्त है। गाइस नॉर्मली आप बंडल लोगे तो आपको ये वाला बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये मत सोचना आपको डायरेक्ट वही बंडल देखने को मिलेगा, इसको अपग्रेड करने के बाद में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। अपग्रेड करने के बाद में आपको दिखा देता हूं गाइस, नॉर्मली आपको ये वाली टोपी ये वाली चीजें देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको कॉइन लगा के कॉइन या फिर इसके टोकन लगा के आपको ये चीजें खरीदनी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी, दिखने में बहुत ज्यादा मस्त है। और साथ में आप जंप करोगे तो आपको ये वाला इफेक्ट भी देखने को मिलता है पानी वाला, और यहाँ पर एक और है मेड किट वाला इफेक्ट, ये भी काफी ज्यादा मस्त है। ग्रेनेड भी देखने को मिलता है, तो गाइस ये रहा ग्रेनेड, काफी ज्यादा मस्त है, क्यूट सा ग्रेनेड है। और यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और गाइस यहाँ पर स्केटबोर्ड की बात करें तो ये रहा हमारा स्केटबोर्ड जो कि हमको फ्री में ही देखने को मिलेगा। गाइस यहाँ से थोड़े और आगे चलते हैं गरोजा की स्किन जो कि हमको फ्री में देखने को मिलेगी, और यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हमको एक बैकपैक देखने को मिलता है, बैकपैक देख तो काफी ज्यादा ओपी लग रहा है। और गाइस यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है, ये है बैट की स्किन, ग्लूवेल भी आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको ले लेना चाहिए क्योंकि ग्लूवेल में काफी सारे डायमंड आपके लग जाते हैं। तो गाइस आपको 500 डायमंड में आपको लाइट पास देखने को मिलता है यानी कि भैया पास देखने को मिलता है, ले लो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा ये वाला क्रेट भी है जो कि इसमें से कुछ मिलता नहीं है आपको सिवाय टोकन के। तो आपको कैसा लगा ये वाला भैया पास, मुझे तो अच्छा लगा, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।